Hello, my dear children. Welcome to your SST class. And I am your mentor and guide, Ananya. And I am back with a new lesson of your book, that is Jelly Bean Journeys in Social Studies for Class 3 by Brainroot Publications. Children, today we are going to begin with lesson number 3. Hum aaj aapki book ka chapter number 3 karenge. Aur kya hai chapter number 3 ka title? The Earth's Neighbor. यानी जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं ना, हमारे नेबर्स होते हैं, ऐसे ही अर्थ के भी नेबर्स हैं. तो आइए आज हम अर्थ के नेबर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमारा जो पृथ्वी है उसके नेबर्स कौन कौन हैं इसके बारे में जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू कवर द सोलर सिस्टम. ऑलराइट, हमारा जो सौरमंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू डिपिक्ट द मिल्की वे. हमें एक ब्लैक चार्ट पेपर लेना है एंड देन उस पर ग्लू लगाना है स्पाइरल वे में. ठीक है, फेविकॉल या ग्लू लेके ऐसे गोल गोल करते करते उस पर लगाना है. उसके बाद उस पर थोड़ा सा सिल्वर ग्लिटर स्प्रिंकल करना है. जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब इस पे से जो एक्स्ट्रा ग्लिटर है वो निकाल देना है एंड देयर यू गो, आपको एक बहुत सुंदर सा मिल्की वे गैलेक्सी देखने के लिए मिलेगा. ओके, सो ट्राई आउट दिस एक्टिविटी, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. करके देखिए कौन कितना सुंदर मिल्की वे बना सकता है. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द चैप्टर. आइए अर्थ के नेबर्स के बारे में जानते हैं. The universe is limitless. It includes the earth, all the galaxies, the sun, the moon, the planets, stars, asteroids and other physical matters and energy. यानी यूनिवर्स जो है वो असीम है. ब्रह्मांड में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत तरह तरह के रहस्य हैं. इसमें अर्थ है, मून है, सन है, स्टार्स हैं, तरह तरह की गैलेक्सीज हैं, बाकी प्लैनेट्स हैं, छोटे छोटे और तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं. इन सभी को लेके हमारा पूरा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स बनता है. ओके, आज हम सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. द सन, द 8 प्लैनेट्स दैट आर मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एंड अदर हेवनली बॉडीज टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम. यानी सोलर सिस्टम में ये आठों के आठों ग्रह, ये आठों प्लैनेट, सन और जो छोटे मोटे और भी दूसरे हेवनली बॉडीज रहते हैं जैसे स्टार्स, मून्स एंड वॉट नॉट, ये सब मिला के सोलर सिस्टम को बनाते हैं. सम अदर हेवनली बॉडीज आर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मिटियोर्स. ठीक है, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्टार नोन सन. यानी सन भी एक स्टार है, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टार है. ठीक है, इट लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन बिल्कुल सोलर सिस्टम के बीचों बीच है. ओके, द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम. पूरे सोलर सिस्टम में यही एक ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ को रोशनी और तपिश यानी वॉर्मथ देती है. प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. जो ग्रह हैं प्लैनेट्स हैं, इनके पास अपनी कोई लाइट या एनर्जी नहीं है. दे मेयरली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन. वो सिर्फ सन की रोशनी को ही रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें देते हैं. द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर एंड द स्मॉलेस्ट इज मर्क्यूरी. आप पिक्चर में देख सकते हैं सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, और सबसे छोटा प्लैनेट है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. मर्क्यूरी छोटा तो है ही, साथ में सन के भी सबसे पास में आता है. और जब हम सन से सबसे दूर की बात करते हैं तो नेपट्यून इज द फार्देस्ट, यानी नेपट्यून सबसे दूर रहता है. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट अमंग द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. यानी हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो सोलर सिस्टम पर थर्ड नंबर पर आती है. और अगर हम दूसरे प्लैनेट्स के साथ इसके साइज को कंपेयर करेंगे तो अब ये फिफ्थ पोजीशन पे आता है. ओके,
इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ. यही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पनप सकता है, यानी जीव जंतु रह सकते हैं. मार्स, ऑफन रेफर्ड एज द रेड प्लैनेट, गेट्स इट्स रेडिश ह्यू फ्रॉम आयरन रिच क्ले एंड अ थिन एटमोसफेयर मेड मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड नाइट्रोजन. मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन है, आर्गन है और नाइट्रोजन है. वीनस इज़ नोन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बिकॉज ये ब्राइट लगता है. अर्थ से जब हम देखते हैं तब वीनस जो है अर्थ रखता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, सनराइज और सनसेट के टाइम पे. डॉन का मतलब सनराइज एंड डस्क मतलब सनसेट, इसीलिए इसको हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं. वीनस को जब हम अर्थ से देखते हैं तब वो बहुत ब्राइट लगता है सनराइज में भी और सनसेट में भी. डस्क का मतलब होता है सनसेट और डॉन का मतलब होता है सनराइज. तो दोनों ही समय वीनस बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है. अर्लियर प्लूटो वॉज काउंटेड एज द नाइन प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये एक फन फैक्ट है, पहले सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे. प्लूटो को भी प्लैनेट बोला जाता था. ओके, वो 9th पोजिशन पर आता था, पर बाद में इसको हटा दिया गया प्लैनेट्स के ग्रुप में से बिकॉज इट इज़ अ ड्रॉफ प्लैनेट. वो बहुत छोटा है साइज में प्लैनेट कंसिडर करने के लिए, इसीलिए उसको ड्रॉफ प्लैनेट बोल दिया गया है और उसको सोलर सिस्टम से रिमूव कर दिया गया है. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मून. मून को तो हम हर रोज़ आसमान में देखते ही हैं, आज मून के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं. द मून इज़ अवर क्लोजेस्ट नेबर, ये सबसे करीबी पड़ोसी है हमारे. इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट भी है. व्हेन वी लुक अप एट द नाइट स्काई वी सी द मून शाइनिंग ब्राइटली विद स्टार्स. इट्स मूव्स अराउंड द प्लैनेट अर्थ. मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है. जैसे अर्थ सन के चक्कर लगाता है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है. ऑलराइट, नाउ वी स्टडी अबाउट द अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स. हमने पढ़ा था ना कि प्लैनेट, सन, अर्थ, इन सब के अलावा भी कुछ और हेवनली ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो आज हम उनके बारे में भी सीखेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में. देयर आर चंक्स ऑफ रॉक्स एंड मेटल फाउंड इन द सोलर सिस्टम. बहुत तरह तरह के बड़े बड़े टुकड़े या बड़े बड़े जो है चंक्स, पीसेस ऑफ मेटल्स एंड रॉक सोलर सिस्टम में मिलते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम एस्टेरॉइड बोलते हैं. कैन यू सी बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े? ओके, साइंटिस्ट थिंक दे आर लूज मटीरियल दैट नेवर फॉर्म्ड इनटू प्लैनेट. ये कभी प्लैनेट में बदल नहीं पाए, ये सब लूज मटीरियल है, पार्टिकल्स हैं. द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में सबसे बड़ा एस्टेरॉइड बेल्ट मिलता है. अ कॉमेट इज अ मास ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉकी पार्टिकल्स दैट हैज अ लॉन्ग टेल. कभी आपने देखा है शूटिंग स्टार या टूटता तारा? दैट इज एक्चुअली अ कॉमेट. ये देखिए, ये एक आइस और डस्ट का ढेला है जिसके पीछे बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, तो ये टेल जैसा दिखाई देता है और इसी को कई बार हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे को हम आकाशगंगा भी बोलते हैं. ओके, द मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ अवर प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स, यानी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार्स से भी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें हम नॉर्मल आँखों से देख नहीं सकते, विच आर नॉट ईजीली विजिबल फ्रॉम अर्थ. एवरीथिंग दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि हमें आसमान में जो कुछ भी दिखता है वो सभी मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आकाशगंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम आकाशगंगा भी बोलते हैं. अवर सोलर सिस्टम इज़ अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ मिल्की वे. मिल्की वे बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम. ऑल राइट, सो एज यू कैन से दिस इज द मिल्की वे गैलेक्सी और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में छोटा सा हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम.
Okay. So children, what are the important things that we came to study in this chapter? We studied about satellite. Satellite is a body that moves around the planet, यानी planet के इर्द गिर्द जो भी चक्कर लगाता है उसको हम satellite बोलते हैं. Moon earth के चक्कर लगाता है, it is the natural satellite. Asteroids, asteroids are pieces of rocks and metals जो space में घूमते रहते हैं. Comet, comet is a mass of ice, dust and rocky particles. Let's quickly look over what all we studied in this chapter. The universe is totally of everything that exists, यानी ब्रह्मांड में ही सब कुछ समाया हुआ है. The solar system consists of sun, 8 planets, their satellites, asteroids and comets. And last, our solar system is a part of Milky Way galaxy, यानी हमारा जो solar system है वो Milky Way galaxy आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है. Okay children, so now let's test our knowledge. वक्त है देखने का कि हमें चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया, और इसके लिए हम क्या करेंगे? यस, वी विल बी सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस. तो आइए एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आइए जल्दी जल्दी से एक्सरसाइजेस करके देखते हैं. द सन इज नॉट हॉट, अ स्टार, अ प्लैनेट, अ बिग बॉल ऑफ फायर. द सन इज नॉट अ प्लैनेट. बाकी सारी चीज़ें हैं, सन हॉट भी है, स्टार भी है, बिग बॉल ऑफ फायर भी है. सेकेंड, द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज अर्थ. अर्थ थर्ड नंबर पे आता है सोलर सिस्टम पर. नेक्स्ट, डैश आर द पीसेज ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स इन द सोलर सिस्टम. एस्टेरॉइड्स आर द पीसेज ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स इन द सोलर सिस्टम. फोर्थ, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं, राइट. फिफ्थ, विच ऑफ दीज इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. अर्थ का चक्कर कौन सा सैटेलाइट लगाता है? मून. मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, सो आई होप यू हैव नोटेड दीज. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. सो लेट्स डू इट क्विकली. आइए जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. द मिल्की वे गैलेक्सी इज ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा. मिल्की वे गैलेक्सी को हम आकाश गंगा भी बोलते हैं, राइट. वेरी गुड. द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? कौन सा है? राइट, जुपिटर. वेरी गुड. सो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. नेक्स्ट, द डैश इज टोटली ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, द यूनिवर्स. हर जो चीज़ हम देख रहे हैं वो सब यूनिवर्स का हिस्सा है. फोर्थ, मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट. द मेन एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, राइट. मार्स एंड जुपिटर? नो, इट इज लोकेटेड बिटवीन, कहाँ लोकेट करता है? जुपिटर एंड यूरेनस के बीच में. राइट, ओके. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम. राइट, यस, इट इज ट्रू. सन से ही बाकी सबको रोशनी और गर्मी मिलती है. सेकेंड, प्लैनेट्स हैव देयर ओन लाइट. नो, दिस इज फॉल्स. प्लैनेट्स का अपना कोई लाइट नहीं रहता, उसे सारी लाइट और एनर्जी सन से मिलती है. थर्ड, द अर्थ इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. नो, दिस इज फॉल्स. अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. फोर्थ, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. यस, इट इज ट्रू, बिल्कुल. And last one, Jupiter is the biggest planet in the solar system. बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है. Jupiter सबसे बड़ा planet है solar system का. तो बच्चों, I hope you have noted all the exercises. So now children, let's quickly do the match the following. Matching करेंगे. Let's start. The moon is the earth satellite. तो moon को earth के satellite से match करेंगे. The Earth is the third planet from the Sun. Earth जो है third planet है Sun से अगर हम count करना शुरू करें.
the sun. Sun is the solar system ka center. Sun is the center of the solar system, right? Beecho beech mein hai. Asteroids, pieces of rocks and metals. And comets, masses of ice. So children, I hope you have done the matching. Hai na, aapne match kar liya hoga correctly. Now, these are the questions. You have to do them on your own. Ye aapko khud karne hai. हम चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. सो ट्राई आउट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक टू फाइंड आउट दैट वेदर यू हैव लर्न्ड द चैप्टर प्रॉपरली और नॉट. सो विद दिस वी फिनिश द सेशन टुडे चिल्ड्रन. आई होप दैट यू हैव एन्जॉयड द सेशन. आई विल मीट यू सून अगेन वेयर वी विल अगेन लर्न अ न्यू चैप्टर वेयर समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव इज वेटिंग फॉर अस. So, stay tuned for the new video. Bye bye and take care.